नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हाय दोस्तों, यूं तो हर इंसान के अंदर टैलेंट छिपा होता है, उसके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता ही, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो लोगों को टैलेंट से दूसरे लोगों के वाकिफ कराते हैं। आज हमारे दरमियान एक्सप्रेशन डांस एकेडमी है, जिन्होंने ये बिड़ा उठाया है कि हमारे आसपास के इलाकों में जो टैलेंट है, जो उनके अंदर जो सलाहियत है, उसको पूरी दुनिया के सामने लाएं। आज आइए उनके जो कर्ता धरता है, उनके जो डायरेक्टर है, उनसे मुलाकात आपको कराता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वो जो छिपे हुए जो टैलेंट है उसको किस अंदाज से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। आइए मिलते हैं बरखा कुमारी, जो के डायरेक्टर है। नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। अच्छा, ये जो हुनर का दंगल है, इसमें क्या है, अनोखा क्या है? इसमें अनोखा ये है कि इसमें डांस, सिंगिंग और मॉडलिंग तीनों पार्टिसिपेट भाग ले सकते हैं, और एक है इसमें किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने इसलिए लाइव वोटिंग रखा है। लाइव वोटिंग आपने रखा है, डांस को कैसे चूज कर रहे हैं, क्राइटेरिया क्या है चूज करने का आपका? ऑडिशन के माध्यम से हम लोग बच्चे लोग को करवा रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑडिशन करा रहे हैं, कहाँ का ऑडिशन हो रहा है आपका? ये अभी तो बराकर क्या हो रहा है, इसके बाद फिर कोलकाता की होगी। अच्छा, ये ऑडिशन में जज कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? ऑडिशन में जज आपके आकाश सर हैं, जो कि आपके आसनसोल के रहने वाले हैं, कल्याण सर हैं, जो कि निरसा के रहने वाले हैं। और अच्छा, ये जो पार्टिसिपेट जो लोग करेंगे उनका कुछ फीस है? पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं उनका नॉर्मल चार्जेस रखा गया है। अच्छा। क्योंकि वो रखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि सारे लोग फिर जो नहीं भी प्रोफेशन में है इस लाइन में, वो भी आके इसमें वो टाइम वेस्ट करेंगे। ऑडिशन के दौरान कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? ऑडिशन के दौरान बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जो बहुत ही तरह के टैलेंट भी ला रहे हैं, जो कि इंटरेस्टेड भी है इसमें। टैलेंट तो आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये लोग बम्बई का सफ़र कर सकेंगे ऐसा कुछ लोग? हाँ, मुझे तो दिख रही है, और ये मुझे ये पूरी विश्वास है कि इन लोग को यहाँ से एक स्टेज मिलेगा जो कि इन लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग क्या क्या प्रोग्राम कर रहे हैं? ये डांस है और सिंगिंग? डांस है, सिंगिंग है, मॉडलिंग है। अच्छा, ये फाइनल कब आप लोग करेंगे? फाइनल हम लोग का 9 जून होगा। अच्छा, उस फाइनल में कोई गेस्ट भी आएंगे क्या? हाँ, गेस्ट आएंगे, अर्णव दत्ता जी सिंगर, बॉलीवुड सिंगर है, और कार्तिक राजा का बात चल रहा है। हाँ। और ऋषभ शर्मा का फाइनल हो गया डांस प्लस के, उनका वीडियो क्लिप भी आ गया। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया तीन है, डांस है, सिंगिंग है, अदरवाइज सबसे ज़्यादा टैलेंट किस में दिखाई दे रहा है आप लोगों को? डांसिंग में तो ज़्यादा दिख रही है। अच्छा। और सिंगर भी है काफ़ी, बट मॉडल में अभी हमको लग रहा है कम है मॉडल में। आप तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो यहाँ पे सक्सेस होंगे क्या लग रहा है उनको, फिर आप फ्यूचर दे पाओगे आप? हाँ, क्यों नहीं दे पाएंगे। उस दिन हम लोग ने बहुत सारे प्रोड्यूसर आ रहे हैं टॉलीवुड के, जो कि बहुत सारे प्रोड्यूसर आ रहे हैं जो उनको उसी वक्त प्लेटफॉर्म देने के लिए आ रहे हैं, ऑन द स्पॉट देंगे, जो बहुत अच्छे होंगे। अब तो एक्सप्रेशन डांस एकेडमी से जुड़ी हुई हैं और हम लोगों ने देखा कि आप अच्छा काम कर रही हो। फ्यूचर में जो लोग डांस सीखना चाहते हैं वो कैसे आपसे जुड़ पाए? फ्यूचर में लोग डांस सीखना चाहते हैं या फिर मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, तो हमारा एकेडमी है एक्सप्रेशन, और वहाँ पे यहाँ पर आके वो जुड़ सकते हैं जो बराकर में।
यहाँ पे जो लोग आएंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, जो कि यहाँ पे यहाँ धनबाद आसनसोल एरिया तक कहीं पर नहीं दी जाती है। लोग को सीखते तो ज़रूर है एकेडमी में, मगर उन लोग को कोई स्टेज नहीं मिलती है। उनके सहयोग के लिए हम हमेशा खड़े हैं और हमारा टीम है, हमारा एक्सप्रेशन स्टार है। सर आपको इस इवेंट में जज का रोल अदा कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, सिंगिंग में। जी बिल्कुल, कैसा लग रहा है जब लोग गा रहे हैं? हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतना टैलेंटेड बच्चे जहां कोने कोने से छिपा हुआ था आज उभर के आ रहे हैं हमारे सामने। अच्छा टैलेंट को हम लोग सुन पा रहे हैं और अच्छा टैलेंट को देख पा रहे हैं। हम लोगों को पता भी नहीं था कि इतना कोने कोने में इतना टैलेंट छुपा हुआ है कहीं। बस बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के। आप तो आज जज का रोल निभा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल हुआ होगा? बिल्कुल, मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ है। अच्छा, आपने अपना सफ़र कहाँ शुरू किया था? एक्चुअली मैंने अपना सफ़र शुरू किया मेरे घर से, मेरा पूरा फैमिली संगीत से जुड़ा हुआ है, लेकिन मेरे लाइफ का जो स्ट्रगल है वो काफ़ी हद तक मैंने स्ट्रगल किया। काफ़ी दूर दूर में जाके सोच किया, काफ़ी कंपटीशंस मैंने फेस किया, लेकिन कोई उस तरह का रिस्पॉन्स हम लोगों को नहीं मिला। फिर धीरे धीरे जब स्ट्रगल करते गए तो हमको अच्छा प्लेटफॉर्म मिला एक। मैंने 2012 में पूरा झारखंड स्टेट में टॉपर रहा हूँ, झारखंड टैलेंट अवार्ड्स का विनर रह चुका हूँ। तो बस स्ट्रगल ही ज़िंदगी है, स्ट्रगल हम लोग किए हैं। और आज के टैलेंट को मैं वही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो भी स्ट्रगल करें और बहुत ऊँचे तक जाए। एक्सप्रेशंस डांस एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है और जो छुपे हुए हमारे कलाकार हैं, जो प्रतिभा हैं, उसको मैं एक लाइन गीत गा के एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो भी अच्छा गीत गाए और आगे तक जाए। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे जान के सदके मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी। नया टैलेंट आ रहे हैं, जो नया सिंगर्स आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? जो नया सिंगर्स आ रहे हैं, जो नया टैलेंट आ रहे हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि बहुत रियाज प्रैक्टिस करें। रियाज का ज़रूरत है, जो रियाज करते हैं वही राज करते हैं, क्योंकि संगीत एक साधना का चीज़ है। और हमको जितना लगता है कि संगीत को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया गया इसीलिए, और मैं सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि रियाज करें, स्ट्रगल करें अपने लाइफ में और बहुत आगे तक जाए। ये जो आप ऑडिशन ले रही हो, इसमें जज के रोल में कौन कौन लोग हैं? इसमें जज के रोल में आकाश सर है, अच्छा। डांस के लिए विनय सर है डांस के लिए, आपके कैलाश सर है, कल्याण सर है डांस सिंगिंग के लिए। आकाश सर जी, आप जब डांस लिए तो क्या कैसा लगा, टैलेंट देख के क्या एहसास हुआ आपको? टैलेंट देख के यही लगा कि बच्चों में बहुत सा टैलेंट था जो छुपा हुआ था, इसके माध्यम से हम लोग सभी छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकाल पा रहे। जितने भी गरीब बच्चे अपने टैलेंट को नहीं दिखा पा रहे थे, इसके माध्यम से अभी वो सब सामने आ रहे निकल के, तो अच्छा लग रहा है। और डांस में यही बोल सकता हूँ कि करना चाहिए, फिटनेस वगैरह सब कुछ अच्छा होता है डांस के माध्यम से, तो ये करना चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा चीज़ है। और हेजिटेटेड है, थोड़ा डरते हैं, खुल के सामने नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक ये है कि कुछ मतलब पहले जो फ्रॉड हो चुका है उसके कारण सभी डर रहे हैं थोड़ा सा, और भी कोई ऐसा बात नहीं है, बाकी सब खुल के सामने आ रहे हैं। सब मतलब बहुत एक्साइटेड है इस कंपटीशन को लेकर, क्योंकि कुछ टीवी सेलिब्रिटी को भी हम लोग बुला रहे हैं, जो डांस प्लस में ऋषभ शर्मा है अभी फाइनलिस्ट है वो, उनका काफ़ी डिमांड है, तो उनको भी बुला रहे, तो उनके लिए भी पार्टिसिपेंट्स जो है बहुत ही इंटरेस्टेड है कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो बहुत ही अच्छा कि फ्रॉड हो चुका है। कैसा फ्रॉड हुआ? फ्रॉड इस तरह से कि बहुत से ऑडिशंस हो रहे हैं, अच्छा। पैसा ले लिया जा रहा है, अच्छा। बट फाइनल और सेमीफाइनल देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं? इस तरह के फ्रॉड्स, जी हाँ, बहुत फ्रॉड, ये बहुत ही हो रहा है। अच्छा, तो इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने का
तरीका यही है कि आप सही से वेरीफाई कीजिए अगर जो ऑडिशन दे रहा है जेन्युइन है कि नहीं। पेपर में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पेपर में न्यूज़ में हमेशा जा रहा, तो ये जेन्युइन होना ही है। एंड ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम है इसमें, तो इसमें वोट मतलब फ्रॉड होने का तो कोई सीन नहीं। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन वोटिंग कर रहे हो? जी बिल्कुल। ऑनलाइन क्या, लोग कैसे वोट देंगे? ऑनलाइन वोटिंग के लिए ये है कि सेमीफिनाले और फिनाले में हम लोग का एक ऐप है। अच्छा। उस ऐप के माध्यम से वो लोग वोट कर पाएंगे। ऐप का नाम मालूम है क्या? हाँ, ऐप का नाम हम लोग का एक्सप्रेशन स्टार। जी, मैंने डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप नेशनल का विनर हूँ मैं। इसके अलावा मैं DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल का डांस टीचर हूँ। एंड अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टार में जो है वहाँ पे एज ए ट्रेनर, डांस ट्रेनर वर्क भी कर रहा हूँ, और ये लोग के साथ जुड़ा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है, और देखता हूँ आगे क्या होता है। एक्सप्रेशन डांस एकेडमी से कब से जुड़े हुए? एक्सप्रेशन डांस एकेडमी, जब मुझे पता चला कि एक्सप्रेशन डांस हुनर का दंगल हो रहा है, तो मैंने खुद से मैम को कॉन्टेक्ट किया, तो फिर तभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे तो फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी ऑडिशन शुरू हुए हैं, और ऑडिशन में जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं और जैसे हमारा फ्यूचर प्लानिंग है, तो उस हिसाब से तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग वही है, अभी सारा ऑडिशन चल रहा है, उसके बाद सेमीफाइनल है एंड फाइनल है, और फाइनल में हमारे आ रहे डांस में ऋषभ शर्मा सर, जो डांस प्लस के अभी कैंडिडेट है, और वो बहुत अच्छे डांसर है, वो बहुत इंस्पायरिंग है, उनकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है, तो हमारे जो बच्चे और फाइनल में जाएंगे तो शायद उनसे भी थोड़ा इंस्पायर हो। बस इसमें तो आप जज का रोल अदा कर रहे हैं। यस सर। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड अभी तो मैं फ़िलहाल एक डांस कंपनी का डायरेक्टर हूँ जो वर्धमान में, और मैं 2012 में एक कंपटीशन स्टेट लेवल कंपटीशन में था, और ऑडिशन सारे दिए हैं, बट अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अभी तो तुम यंग हो, डायनेमिक हो, हैंडसम हो, तुमने ये डांस को क्यों चूज़ किया अपने फ्यूचर के लिए? डांस एक ऐसा चीज़ है ना, कोई चूज़ नहीं करते, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा। तो जब मेरे अंदर वो चीज़ है तो मैं उसको क्यों ना आगे बढ़ाऊँ, तो उस हिसाब से मैंने खुद को ट्रेन करना शुरू किया, और अभी मैं जहाँ पे हूँ। बस फ्यूचर में क्या कोरियोग्राफर बनने का इरादा? हाँ, फ्यूचर में मुझे एक अपना एक यहाँ का सबसे बेस्ट एकेडमी खोलने का, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का बच्चे लोग का एक सपना है, और फ्यूचर में फिर देखते हैं, जैसे इंटरनेशनल हिप हॉप में जाने का मेरे क्रू के लेके जाने का मेरे को इच्छा है, और यहाँ से भी कुछ बच्चे अगर मुझे पसंद आए तो सर मैं शायद उन्हें भी अपने क्रू में इंक्लूड कर सकता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, और अगर ये अच्छा लगे तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग इसे शेयर लाइक जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए CFM न्यूज़ चैनल आप लोगों का आभारी रहेगा, और हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा, तो हम लोग नए नए मुद्दे को आप लोगों के समक्ष रखते रहेंगे, जिससे समाज को फ़ायदा होगा। धन्यवाद।